अस्सलाम वालेकुम। तो वो भड़वे राजा सिंह ने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करा। तो मेरा बोलना अपने सारे भाइयों से यही है कि प्रोटेस्ट करो, बट वो प्रोटेस्ट पीसफुल करो। हमारे पास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, ठीक है? तो संविधान हाथ में लो मत, लॉ तोड़ो मत। जो भी चीज कर रहे हो सोच समझ के करो, कोई ऐसी चीज मत करो जिससे सिचुएशन खराब हो जाए। बहुत सारे लोगों को लग रहा कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, दरअसल में ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो चंद गद्दार पॉलिटिशियंस के साथ में है जो देश में फसाद फैला रहे, जो हिंदू मुस्लिम में फसाद फैला रहे। मैं भी मेरे दोस्तों के साथ रहता, मेरे बहुत सारे नॉन मुस्लिम दोस्त है, पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और हमारे सामने जो चीज़ पेश होती है वो अलग तरीके से पेश होती। तो हिंदू मुस्लिम में बहुत सारी एकता है, हर जगह वो एकता देखने मिलती, बट ये लोगों की वजह से, ये लोग आते कुछ ना कुछ गलत स्टेटमेंट देते और इनकी वजह से पूरे देश का माहौल ख़राब होता। आज हैदराबाद के अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका। मेरा बोलना सिर्फ इतना है कि जहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहा वहाँ के लोग लॉ हाथ में लो मत। और एक और चीज़ बताता मैं आपको कि ये पॉलिटिशियंस जो रहते कुछ, ये एक स्टेटमेंट देते इससे पूरे इंडिया का माहौल ख़राब होता। और प्रॉब्लम किसको आता? नॉर्मल लोगों को, जो लोगों की रोज़ की डेली रोज़ी है, जिनका रोज़गार डेली बेसिस पे चलता, वो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है चीज़ की वजह से। तो प्लीज़ सारे लोगों से ये है कि कोई भी चीज़ गलत तरीके से मत करो, और पुलिस जो है हमारे तो उनको परेशान मत करो, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे, हर किसी की फैमिली रहती। हम हक के लिए आगे हैं ना, पर इस्लाम जो है वो शांति का प्रतीक है, पीसफुल। तो अपने को पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, अपने को दंगा या ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है जिससे आगे जाके अपने देश की सिचुएशन ख़राब हो जाए। ये लोगों का काम यही है, पॉलिटिशियंस का, देश का माहौल ख़राब करना और कुछ ऐसा पॉइंट देना जिससे हर तरफ कुछ ना कुछ फसाद फैलेगा। तो मेरा इतना बोलना है, ये चीज़ को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो और हर किसी तक पहुँचा। ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो सिर्फ मुस्लिम तक जाना चाहिए, ये वीडियो जो है वो नॉन मुस्लिम भाइयों तक भी जाना चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।